भैया मैं जा रही हूँ। नहीं 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे एक सवाल तो सुनती जाओ। अच्छा चल जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अगर अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके दांतों का रंग कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ व्हाइट। शाबाश अन्नपूर्णा जी, जो बच्चा पैदा होगा तो उसके दांत नहीं होंगे। चल तू जा सकती है, बाय बाय। अबे ताली शर्म की जगह बैठ गई। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हंसते हंसाते हमारे प्यारे YouTube चैनल ये मेरी जिंदगी पर। मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज और साथ हमारे चटपटे किरदार, तो आप बने रहिए हमारे साथ आज के दिन। और कोई सवाल पूछो मीनाक्षी? नहीं, नहीं, नहीं। अब कल पूछेंगे, एक दिन में एक बहुत है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। और इधर कट गए सेब। तो आज क्या खास करने वाले हम लोग? तो दोस्तों आज ही जाने वाले करवा चौथ की शॉपिंग। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा और घूमेंगे कोटद्वार बाजार। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं मार्केट और अभी हम हैं झंडे चौक पे। तो आज आपको शॉपिंग कराएंगे बाजार में, ध्यान से चलो। फ्रेंड्स ये है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी जाना, कहाँ जाना है? अच्छा तो इस तरफ है सब्जी मंडी और हम लोग जा रहे हैं कहीं और। तो ये वाला रास्ता जाता है स्टेशन की तरफ। हम लगभग अभी 11:30 का टाइम है, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी रश होने लगा है। ये दोनों पीछे रह गए। तो भाई करवा का सामान बेच रहे हैं और ये है हमारा मालनीय मार्केट। काफ़ी सुंदर है ये मार्केट। चल 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 चल, अब देखे सब जगह काफी रौनक है आज। तो काफ़ी पुरानी मार्केट है ये और यहाँ पे है भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, ये नया बनाया है। किसी दिन अंदर लेके चलेंगे आपको, फिलहाल बाहर से ही दर्शन करवा देता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों मालनीय मार्केट में नया मंदिर बन गया है, काफ़ी अच्छा बना है और जय श्री राम। अभी चलते हैं, दोनों भाग गए आगे। तो मैं आपको बता रहा था काफ़ी पुरानी मार्केट है यहाँ की और कॉस्मेटिक और इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ी फेमस है। तीन लोग चूड़ी बिंदी कांडी और फूंदा लेना चाहिए। अरे भाई तुमने लेना है फूंदा? हाँ चलो यूं भी लेना जी फूंदा। और हाय आप लियाल फूंदा? ठीक। तो करवे की तैयारियां चल रही सभी की और साड़ी की दुकान में आप भीड़ देख सकते हो जबरदस्त। तो चहल पहल काफ़ी है इस मार्केट में। और फ्रेंड्स पूरा आधा घंटा हो गया ने बात करते हुए। कौवे ने अंडे भी दे दिया, घोंसला भी बना लिया, अब उड़ने की तैयारी में है। चले अन्नपूर्णा जी की फेवरेट दुकान है, यहाँ से साड़ियाँ लेती हैं ये। बाद में आएंगे, बाद में भीड़ है, कोई नहीं भीड़ तो होनी चाहिए। फ्रेंड्स अब ये रास्ता जाता है मालनीय मार्केट से न्यू मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे मेहंदी लगवाने आ सकते हैं आप लोग, टैटू आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पे। तो ये दोस्त लगाएगा मेहंदी, क्या रेट चल रहा है सबको बता दो फटाफट। 100 रुपये स्टार्टिंग। 100 रुपये से स्टार्टिंग, एक हाथ या दोनों हाथ? एक हाथ आगे। तो दोस्तों एक हाथ दोनों तरफ 100 रुपये, ठीक बताया ना? मिलते हैं आपसे। हाँ ठीक है, फिर आज आप लगवाओ। आज मैं लगवाऊंगी। हाँ हाँ आप ही की तो बात कर रहे हैं, आज ये लगाएंगे हंसते हंसते। तो फ्रेंड्स ये पिछोड़ ले ले अपने ले। पिछोड़े लगे हुए ना। और ये है दुर्गा लेडीज कॉर्नर। तो मैं अंदर नहीं जाने वाला, आप ही जाओ फटाफट और लेके आओ जो लाना है ऊपर। तो ये दोनों के दोनों बहुत तेज हैं, इसीलिए गोदाम में जा रहे हैं उनके और होलसेल रेट पे करवे का सामान लिया जाएगा यहाँ से। तो ये आप देख सकते हो ये दुर्गा वालों का गोदाम है यहाँ पे और हम आ गए सीधे गोदाम में ख़रीदारी करने। भाई साहब राम राम।
तो दोस्तों बड़े बेआबरू होके इनके कूचे से निकले हम, सब सामान खत्म। तो अपना समूह लेके चलते हैं वापस। तो काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पे और अन्नपूर्णा जी लोग कोशिश में लगे हैं कि उन्हें भी कुछ सामान मिल जाए। हमारा काम दिखाना है, आपको जो अच्छा लगेगा वो रखना। शानदार। तो क्या कर रहे हो पहले? चलो तो फ्रेंड्स साड़ी ही ले लेते हैं पहले। तो भीड़ अभी काफी ज्यादा है। बताइयो नंबर आ गया इनका भी। कलर दूंगा, पैटर्न दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, सब में कलर्स मिलेंगे। चारों बहुत अच्छे कपड़ा देखिए, इतना फाइन मिल रहा है। कलर की बात करें, डिजाइन अच्छा तो लग रहा है, इसका कपड़ा भी अच्छा लग रहा है अन्नपूर्णा जी, पर मम्मी को ये कलर नहीं पसंद आएगा। हाँ वो जरूर आ सकता है, अच्छा है उनको ब्राइट कलर पसंद आते हैं। ये भी सुंदर लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है अन्नपूर्णा जी। तो एक कलर दोस्तों ये भी आ गया। अन्नपूर्णा जी अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाएंगी। ठीक है, अच्छी लग रही है भी। ठीक है, धन्य है ये लोग, बड़ा पेशेंस है भाई लोगों में। और फ्रेंड्स हम आए हैं कोटद्वार की बेस्ट साड़ी शॉप में और ये पेड प्रमोशन है, ये हमारे लिए फ्री साड़ी दी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सिंघानिया साड़ीज और ये सब मजाक था, अच्छी साड़ियाँ हैं, शानदार साड़ियाँ हैं, हमने यहाँ से ले ली हैं, आप भी ज़रूर आइएगा। अब डिस्काउंट तो बनता है ना। मुश्किल से 20 मिनट में उन्होंने 3 साड़ियाँ ले ली हैं, बहुत फास्ट। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। आओ तो चले गए श्रृंगार का सामान लेने। क्या कह रही माँ जी, क्या नहीं करती एक साजी यानी कि अन्नपूर्णा जी, माँ जी नेल पेंट नहीं लगाता, तीन कह रहा हूँ ना कांडी ले ले कांडी। आप बताओ कांडी क्या होती है, कमेंट में आप बताएं कांडी क्या होंगे कांडी है ना। तो जो भी तगड़ा दिखना चाहिए बता दिया भाई कांडी क्या होंगे। एक येलो लिया, दूसरा ग्रीन रबर ले ले रबर। हाँ वो मेरे भी काम आ जाएगा। ग्रीन साड़ी भी आपके पास? पर एक बार बताओ, इतने सारे कड़ों में ना जितने भी यहाँ पे रखे हैं, मुझे भी ग्रीन ही सबसे अच्छा लग रहा था। नाइस, अच्छे लग रहे हैं। नक्शे आप भी ले लो भैया, मेरे पास ग्रीन नेल पेंट सब बोलते हैं, इसे ग्रीन इतना पसंद है, नेल पेंट भी इनकी बात सुन ले। क्या अब ग्रीन कड़े ले लिए तो ग्रीन साड़ी भी ली जाएगी। तो अभी करवे की थाली नहीं ली उन लोगों ने, क्या हुआ नहीं पसंद आई? तो अभी तुम सस्ते में ढूंढोगे? चलो फिर, चलो फिर। ये है राम मंदिर जो मैं आपको भी दिखा रहा था। और अब हम माल्या मार्केट से निकल के कहाँ जा रहे हैं, मेन रोड की तरफ। हाँ तो ये है फ्रेंड्स सब्जी मंडी एक बार फिर से, और भीड़ देखिए आप, और अभी शाम तक तो ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगी। तो बारिश भी आने लगे, एक लड़की से जब मैं आना थी। अब क्या काम रह गया आपका इधर? अच्छा वो दोस्तों करवे का सामान बाकी है अभी। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं भाई जी वाली गली में, बड़ी फेमस है ये। और आप देख सकते हो धूप भी आ गई और अभी तक बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, बूंदे हालांकि भी पड़ रही हैं। हाँ इस वाले मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली है लगभग। अब या तो लोग बारिश की वजह से तितर बितर हो गए या फिर यहाँ करवे का सामान नहीं है इसलिए शायद। आ गए हम मेवा गिफ्ट कॉर्नर। अच्छा बोला भाई, नमस्कार। राम राम, कैसे हैं आप? इन्होंने कहा करवे का सामान है, मैंने कहा भाई के पास चलते हैं। अच्छा तो यहाँ कहीं भी करवे वाला सामान नहीं है? और सब बढ़िया, काम ठीक चल रहा है? ठीक, फिर मिलेंगे। कल देख ली थी आपकी वीडियो। थैंक यू। बरसात वाली सब देख ली। फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं करवे वाली थालियाँ।
ननी मीन सुन तू मुलाल दाल भात बनाया हमको ना तो फ्रेंड्स आज बनाया नानी ने खा रहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये देखिए आज नानी ने बनाई ये दाल हमारे लिए। कौन सी दाल है? अरहर की दाल। गुड। और ये चावल बनाए हैं मस्त एकदम मस्त एकदम। बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया बनियो। डबल खान मैंने। तुम कहाँ जा रहे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब ऐसे जाते हैं बाजार? उसके मेहंदी लगाओ चलो चलो अंदर। तो अब नवीन बाबू मेहंदी लगाएंगे और इनको फर्स्ट आना है। हाँ ऐसी लगाओ पर लगानी पड़ेगी। बैठो भाई गलड़ लग गई भाई लोहंडा का ब्याह कह रही है। तो वैसे दोस्तों करवा चौथ है परसों लेकिन क्योंकि ये पूरे शहर में फर्स्ट आने वाली दोनों की दोनों तो यहाँ मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। नहीं कर, वो है ना कल एनिवर्सरी फर्स्ट। अच्छा तो कल इनकी एनिवर्सरी भी है तो फ्रेंड्स सब लोग पहुंच जाना। क्या खिलाएगी? और अब मजे आ गए। कल करवा चौथ भी कर लिया क्या? नहीं, अच्छा बच गई। बच गई वरना हम खाते एक से एक चीजें। कल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आज इन्होंने मुझे पूरा बाजार घुमा दिया। और वैसे मैं इतना शरीफ आदमी नहीं हूँ तो जो भी दोस्त देख रहे हैं उनकी पत्नियां अपने पतियों को बिल्कुल भी ना धमकाएं। ये ना कहें कि भैया को देखो पूरा बाजार घुमाते हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। वो तो मन में इच्छा थी। अच्छा जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आरू भैया के। तो वो तो प्लान ये था कि आप सबको भी इनकी करवा चौथ शॉपिंग में शामिल किया जाए इसलिए भाई चला गया था। बहुत सारी बीवियाँ ताना भी दे रही है मैंने सुना। मेरे को ऐसा कहा गया था कि ऐसा बोलना वरना मेरे को तो ना मतलब मैं जाना ही पड़ता है। अरे असली बात ये ना ये बहुत मारती है मेरे को। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है नहीं तो दोस्तों बहुत अत्याचार होते हैं मेरे ऊपर। अब देख सकते हैं मेहंदी काफी हद तक लग चुकी है और मुझे तो आज ही पता चला कि सुंदर मेहंदी लगाती हैं आप मुझसे भी अच्छी हैं। आप तो बहुत अच्छी लगाती। अभी देखना मैं लगाऊंगा इनकी कल। मैं देखी थी। तो मीनाक्षी आप कितनी अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं। तो इस सुबह अवसर पे कोई गाना तो सुना दो जरा। गाना? हाँ मुझे नींद भी आ रही ना वैसे। तब तो आपको पक्का ही नींद आ रही। बस तो सुना दे फिर जल्दी से। तो दोस्तों अपने कानों में उंगली और गर्म तेल डाल लीजिए। अब हम आपको गाना सुनाने वाले हैं। मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना आएंगे तुझको लेने ऐसे है ना। गलत हो गया तो एक तो जुकाम लगा है लोग डर जाएंगे मोटी आवाज वाली कौन आ गई है। नहीं सबको पता है जुकाम नहीं भी लगा होता तब भी सबको पता है। कितनी बुरी आवाज है मेरी। अरे नहीं नहीं नहीं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो हम बाजार गए थे आप सबने उस शॉपिंग को बहुत इंजॉय किया होगा। खैर इंजॉय तो जुकारल उकारल पर बाजार तो दिया की वाला पर मजा तो आई वाला ना। मेहंदी भी लग चुकी है। ये लो भाई ढंग से दिखा दो भाई दिखा दो बहुत सुंदर लग रही है ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा हार्ट टेढ़ा है पता है आपको। ले एक नई बात पता चल गई। मजाक कर रही हूं मैं ऐसे चौंक के। तो ब्रदर का एक हार्ट टेढ़ा आज ही पता चला हमें। और कल इसने बहुत मार खाई थी मेरी तोता उड़ मैना उड़ में। आई होप कि वो ब्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आएगा इनकी एनिवर्सरी को तो इनको विश करना। तो कल इनकी एनिवर्सरी है तो विश जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा बहुत सारे कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और नए दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तू तो है सी साथ। चल बोल जल्दी। नहीं मैं बोल रही। तो नए दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के चटपटे लिखे और जायकेदार ब्लॉग्स के लिए। टेक केयर गुड बाय एंड जय बद्री विशाल। नाक्षी कितना हंसती है बात। जितना हंस पाती हूँ।
भैया मैं कैसे हंसू, मुझे तो हंसी नहीं आ रही।